हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HSED ट्यूटोरियल। तो कैसे हो मेरे प्रो एडिटर लोग? तो आज एकदम हटके मतलब कड़क कंसेप्ट एक्शन वाला करने वाले हैं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है तो आपने क्या किया हम दोनों को जल्दी से, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इधर जाके आप हमको फॉलो कर सकते हो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैं रोज अलग अलग कंसेप्ट डालता हूँ, तो आप बताओ कौन सा कंसेप्ट आपको चाहिए, कमेंट में बताओ या DM करो और बताओ हमें कि कौन सा आपको कंसेप्ट चाहिए। तो ज़्यादा वर्क अपन बर्बाद नहीं करेंगे, मिलते हैं वीडियो के बाद। हेलो गाइस, अपन चालू कर लेते हैं अपना वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल चालू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को पिक्सआर्ट ओपन कर लेने का है, तो पहले अपन पिक्सआर्ट ओपन कर लेते हैं। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद सेव कर देते हैं और ऐड फोटो में जाके अपना जो बैकग्राउंड है वो अपने को ले लेने का है। उसके बाद अपने को क्या करने का, ऐड फोटो में जाके जो अपना मॉडल है उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देने का। तो मॉडल को अपन कर लेते हैं एडजस्ट ना, ये मेरे को ठीक लग रहा है अभी, इसको अभी अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं अपन। ये एडजस्ट हो गया अच्छे से, ये होने के बाद अपन के डन कर देने का है। उसके बाद क्या करने का है, सिंपली ड्रॉ में जाके आपको क्या करने का है, जो शेडो बनाते हैं जो पीछे गाड़ी है उस पर शेडो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लगना चाहिए कि आप सच्ची उधर बैठे तो वैसे लगना चाहिए, तो शेडो बनाना बहुत ज़रूरी है। शेडो को एक अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए हमेशा। और इसमें क्या होता है मालूम है, शेडो ओपेसिटी जो होता है वो कम कर देने का, क्योंकि एक अच्छा लुक आ जाए, देखो रियलिस्टिक शेडो लग रहा है। जिसे ड्रॉ कर लेते हैं और अपन पेन पे ज़रा भी आने नहीं चाहिए, तो उसको कट कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। तो आगे क्या करते हैं अपन, ये होने के बाद आपको क्या करा है, सिंपली अगर शेडो आपकी हो गई अच्छे से तो सेव कर लेते हैं फ़ोटो को। सेव होने के बाद आपको क्या करने का, नॉर्मली फोटो सेव हो रहा है, ये फोटो अभी सेव अच्छे से शेडो बन गई अपनी। सिंपली ऐड फोटो में जाके ऐड में जाके आपको जो मैंने ये वाला PNG दिया स्मोक का, उस स्मोक का PNG ऐड कर देने का है। ऐड कर देने के बाद अच्छे से ब्लाइंडिंग मोड में जाके आपको क्या करने का है, स्क्रीन पे कर देने का है, उसके बाद डन कर देने का। और बाद में और एक PNG आपको देगा गन का, वो दो लेने का आपको, एक दो और एक को ये साइड रोटेट करते हुए लेफ्ट साइड और एक राइट साइड को ले। तो अच्छे से अपन बिठा लेते हैं पहले, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अच्छे से इसको पहले जो हैंड है उसमें बिठा लेंगे अपने हाथ पे। और उसके बाद अपने को ना इरेज में जाके इरेज और जो उंगली है उसके पीछे गन जाने चाहिए, इससे लगना चाहिए कि आपने तो पकड़ा है गन को। तो अच्छे से अपन इरेज कर लेते हैं। अभी इरेज करते टाइम एक ध्यान देना चाहिए कि अगर गलती से आपका किधर जा रहा है, कट हो रहा है, तो डरने का नहीं रहिए, डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करने का, इधर आपको रिस्टोर का बटन होता है, इधर से आपको रिस्टोर करके लेंगे अच्छे से, फिर से कट करने का, फिर से कट सकते हैं। तो लाइफ में डरने का नहीं भाई लोग। तो आगे देखते हैं दूसरा जो PNG है, मतलब वही अपना गन जो धोन लिया था लेफ्ट साइड वाला, उसको भी अच्छे से एडजस्ट करते हुए उसको भी अपन अच्छे से एकदम नहीं है अभी तक मेरे को बराबर नहीं लग रहा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले तो अपन।
जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, मैं कोई पार्ट कट नहीं करता, जो है वही दिखाता हूँ। तो अच्छे से ये देखो, अभी अच्छे से हो गया है मेरा। इसके बाद क्या करने का आपको, ये हो जाने के बाद आपको सिंपली गन को सिलेक्ट करके, हाँ ये इधर बराबर लग रहा है मेरे को, इधर सिलेक्ट और नॉर्मली पार्ट को इरेज कर देते हैं। पार्ट को इरेज करते हैं अच्छे से, उंगलियों के पीछे ही जाना चाहिए, कोई गन हाथ में पकड़ा ऐसे लगेगा। जो कट कर लेते हैं, और जैसे कि बताया था ज़्यादा कट हुआ तो भरने का नहीं भाई, रिस्टोर का बटन है अपने पास, रिस्टोर कर लेंगे फिर से। बस अच्छे से कट, रिस्टोर फिर से कट, फिर रिस्टोर, फिर से कट। फिर क्या करते हैं अपन, इसको सिंपली अच्छे से हो गया अपने को गन मस्त लग रही है एकदम, डन कर देते हैं। उसके बाद क्या करने का आपको, ऐड फोटो में जाके जो ये वाला PNG मैंने आपको दिया है, और मेरे सब PNG आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको भी ब्लाइंडिंग मोड पे जाके स्क्रीन पे कर देने का है। ये हो जाने के बाद आपको क्या करने का है, सिंपली फोटो को डन करते हुए, ये आपको बाद में डालेंगे क्योंकि पिक में और अच्छे से ग्लो आएगा। तो अपन सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड अपन क्या करेंगे, जो ये मैंने लाइट वाला दिया है, जो लाइट का PNG दिया है, उसे पहले अपन दो दो सिलेक्ट कर लेने का है। एक लेफ्ट साइड इधर, एक राइट और एक लेफ्ट के लिए। ये इधर मेरे को बराबर लग रहा है, मैं इधर सेट कर देता हूँ इसको। और ये जो दूसरा है उसको थोड़ा एडजस्ट करते हुए, बस इतना ही थोड़ा पेस पे आ रहा है, और कम कर देता हूँ। हाँ इतना मेरे को बराबर लग रहा है, तो इसको ये सिलेक्ट करते हुए डन, मस्त एकदम लग रहा है बेटा। तो इसको सेव करके आपको लाइट रूम में जाने का है, और लाइट रूम में जाके आपको नॉर्मली क्या करने का है, जो फोटो अपने पिक्सआर्ट से लिया था उसको ऐड कर देने का है। और लाइट रूम में सबसे पहले लाइट में एक्सप्लोर जो है, जो थोड़ा कम ही रखते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, हाईलाइट बढ़ा लेते हैं इस फोटो के लिए, हमेशा मैं कम करता हूँ लेकिन इस फोटो के लिए बढ़ा लेते हैं। और जो शेडो डाउन है वो कम कर देते, और वाइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते, और ब्लैक थोड़ा ही कम रखते, थोड़ा 13 तक। उसके बाद टेक्सचर 15 तक बढ़ा लेते, उसके बाद क्लियरिटी 14 तक, ये 4 तक बस। उसके बाद शार्पनेस थोड़ा 60 तक रखते, अच्छा लग रहा है। और जो अपना स्किन स्मूथनिंग के लिए नॉइज रेडिएशन 45, डिटेलिंग 32, ओके अच्छा लग रहा है। कलर का भी अपन बढ़ा लेते हैं, नहीं चलो छोड़ो नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा लग रहा है। के बाद आपको क्या करने का है, मैंने आपको बताया था मैं मोड वर्जन यूज़ करता हूँ, और मोड वर्जन में ही ये मिलता है आपको। इधर से नीचे से आपको लेके हल्के से एक्सप्लोर कम कर देने का, एक ब्लैक शेडो नीचे से बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करने का है, कलर में जाके ऑरेंज कलर जो आपका फेस कर रहे थे उसको सैचुरेशन कम करके, ये थोड़ा फेस बढ़ा, ये थोड़ा ज़्यादा गोरा हो गया ऐसे लग रहा है मेरे को। रेड कलर देखते हैं, नहीं मेरे को लग रहा है बढ़ गया है ज़्यादा। अपन क्या करते हैं, फिर से जाते हैं ऑरेंज पे, थोड़ा ऑरेंज पे जाके थोड़ा कम ही कर लेते, थोड़ा 2 तक, 2 और 12 -12 तक रखते। उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करने का, फिर से एक बार सिलेक्टिव में जाके ये जो ऊपर अपने को दिख रहा है मेरे सिर के इधर थोड़ा ब्लैकनेस है, तो ये सर्कल वाला यूज़ करके एक्सप्लोर थोड़ा बढ़ा देते, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बना देते, कमी रखे साथ, और हाईलाइट बना देते इस तक, ओके अच्छा लग रहा है थोड़ा।
अभी क्या करने का आपको, उसके बाद नॉर्मली फिर से आपको थोड़ी सी नीचे से शेडो लेने की ब्लैक वाली, फिर से अपन, मैं आपको बता रहा हूँ ये मोड वर्जन है, इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मली उधर से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर से पिक्सआर्ट में जाएंगे, ये जो अपना पहला फोटो है उसको अपन निकाल लेते हैं इधर से, और जो अभी अपने लाइट रूम में किया वो लेके इसको ऐड फोटो में जाके ये वाला जो PNG है उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देते, तो नॉर्मली बड़ा करते हुए ब्लाइंड मोड में जाके स्क्रीन देखो, एक अच्छा सा लुक आ गया। इसके बाद आपको क्या करने का है, सिलेक्ट करते हुए फिर से ऐड फोटो में, और ये दूसरा वाला जो फायर का PNG दिया है मैंने, दुआ वाला, दुआ और फायर दोनों मिक्स है उसमें, दुआ फायर ऐसे भी बोल सकते हो, उसको क्या कर गया आपको, नॉर्मली ब्लाइंड में जाके उसको भी स्क्रीन पे कर देगा, देखो एक अच्छा और एकदम एक्शन वाला लुक आ रहा है आपकी पिक पे। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देंगे, अपना पिक हो गया रेडी, सेव कर लेते। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नॉर्मली आप अपना जो लोगो रहता है वो आप नीचे डाल देते। और अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो क्या किया, जाओ 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 फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऐसे न्यू कंसेप्ट आपको उधर दिखेंगे, उधर से आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट में बता दो कौन सा अच्छा लगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको और कोई कंसेप्ट चाहिए तो मेरे को बताओ कि कौन सा कंसेप्ट आपको चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते अगले वीडियो के साथ।